हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं नियो वर्ल्टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी गुड न्यूज है क्योंकि फाइनली ECIL की तरफ से आ चुकी है नई भर्ती। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आ चुकी है नई वैकेंसी, जो की एक गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है। तो गाइज, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि ECIL में जो वैकेंसी निकाली गई है इसका नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और यहाँ पर जो वैकेंसी है, थ्री टाइप्स ऑफ वैकेंसी है। LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है, ट्रेड्समैन की पोस्ट है और ड्राइवर की वैकेंसी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां पर तीनों के अलग अलग जारी किए गए हैं ECIL की तरफ से। कंप्लीट जानकारी आपको देंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस वैकेंसी के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय काफी सारे कैंडिडेट्स गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनके फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाते हैं, तो गलती मत कीजिएगा। उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, सारी जानकारी आपको देंगे स्टेप बाय स्टेप। और आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि दोस्तों आप सभी से शिकायत रहती है कि आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपके शेयर करने से उन्हें भी जानकारी हो इस वैकेंसी के बारे में, वो भी अप्लाई करें और वो भी सिलेक्शन पा सके इस साल 2022 में। और दोस्तों, रोजाना इसी प्रकार सरकारी नौकरी की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे लाल बटन को दबाएं, साथ ही साथ घंटी का बेल आइकन जरूर दबाइएगा और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए ECIL की नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आए हैं, जो कि इस साल 2022 की नई भर्ती है। यहां पर LDC, ट्रेड्समैन और ड्राइवर की पोस्ट पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके लिए सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, केवल 10वीं क्लास पास से लेकर के 12वीं क्लास और एनी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी आ चुकी है। वहीं सैलरी की बात करते हैं तो 20,480 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया की जॉब है। इंडिया के किसी भी स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने से पहले वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए, बाकी सभी जानकारी के लिए सीधा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। तो हमारी जो नंबर वन वेबसाइट है वो है tipsworldbus.xyz। यहां पर आप जाकर के वैकेंसी की कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। वहीं गाइज, हमारी जो सेकंड नंबर की वेबसाइट है वो है neovoltaic.co.in। यहां पर भी आपको डेली बेसिस पे नई वैकेंसी की अपडेट दी जाती है, तो आज ही इन वेबसाइट पर जाएं, जानकारी लें और अप्लाई करें। आप चाहे तो गाइस गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ECIL की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL की तरफ से आ चुकी है नई वैकेंसी। यहां पर पोस्ट की बात करते हैं तो लोअर डिवीजन क्लर्क LDC की पोस्ट है, ट्रेड्समैन की पोस्ट है और ड्राइवर की पोस्ट है। वहीं टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो 55 पोस्ट यहां पर जारी की गई है, 55 वैकेंसी यहां पर रिलीज की गई है। अप्लाई केवल आपको फ्रेंड्स ऑनलाइन ही करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। कुछ पोस्ट में यहां पर आपका, जैसा कि ड्राइविंग के लिए यहां पर आप देख सकते हैं ड्राइविंग टेस्ट होगा, और यहां पर कुछ पोस्ट के लिए आपका स्किल टेस्ट भी लिया जा सकता है। ठीक है, सैलरी की बात करते हैं तो 18,500 से 20,480 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी होगी। वहीं एज लिमिट जो है मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम जो है 30 साल है। इसके अलावा ICU में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। और एप्लीकेशन फीस जो है जनरल ओबीसी के लिए केवल 500 रुपए है और SC ST के लिए बिल्कुल फ्री है। पेमेंट केवल आपको ऑनलाइन करना होगा अदर कैंडिडेट को। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 10वीं क्लास पास से लेकर के 12वीं पास और एनी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, इसके आवेदन जो है आप देख सकते हैं 4 जून से लेकर के 25 जून तक चलेंगे। 25 जून 2022 इसकी लास्ट डेट है। ये रहा लिंक अप्लाई करने का और ये रहा लिंक नोटिफिकेशन का। तीनों नोटिफिकेशन आपके सामने है, अलग अलग नोटिफिकेशन यहां पर जारी किए गए हैं। वहीं गाइस, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां पर आपको जस्ट क्लिक करना है और आप सीधा नए पेज पर आ जाएंगे। तीनों नोटिफिकेशन के लिंक आपको यहां पर मिल जाएंगे। यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आप नए पेज पर आएंगे और आप देख सकते हैं यहां पर आपको डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट, यहां पर नोटिफिकेशन का लिंक है, यहां से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में आपको कंप्लीट जानकारी दे रखी है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं सारी इंफॉर्मेशन यहां पर दे रखी है। एज लिमिट क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या है, पोजीशन कौन सी है यहां पर, और यहां पर आपको सैलरी कितनी मिलेगी, यहां पर कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी है कंप्लीट जानकारी है। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा साफ साफ बताया गया है, रिटन टेस्ट है और स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा। ठीक है, यहां पर ICU में छूट किस प्रकार है कैटेगरी वाइज आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। SC ST को 5 साल की छूट, ओबीसी को 3 साल की छूट है। बाकी जो PWD के कैंडिडेट्स हैं उनको कैटेगरी वाइज यहां पर छूट दी गई है। यहां पर जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसको एग्जाम का पैटर्न यहां पर मेंशन है और आपकी नेगेटिव मार्किंग किस प्रकार रहेगी वो यहां पर मेंशन कर रखा है। 0.25 का यहां पर नेगेटिव मार्किंग रहेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। और आपका जो एग्जाम होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपका पेपर हो सकते हैं। ठीक है,
और यहां पर जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट प्रोसेस है वो किस प्रकार रहेगा वो यहां पर मेंशन है। जनरल कंडीशन में आप चेकआउट कर सकते हैं किस प्रकार आपको अप्लाई करना है, अप्लाई करते समय किन किन बातों का ध्यान आपको रखना है और हाउ टू अप्लाई में आपको पूरा प्रोसेस दिया गया है स्टेप बाय स्टेप। आपको फॉर्म कब से कब तक भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, किस प्रकार आपको पेमेंट करना है, किस प्रकार आपको फॉर्म को सबमिट करना है। वहीं गाइस अब अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस आपको बताते हैं। तो यहां पर आप आएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर टीएमबी पोजीशन, यहां पर आपको जस्ट क्लिक करना है एरो पर। जैसे आप क्लिक करेंगे आप सीधा नए पेज पर आएंगे। फिर भी आपको बताते हैं क्लिक करके यहां पर एक नया पेज आता है। तो यहां पर आपको करना क्या है, जिस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वहां पर आप जस्ट क्लिक कर दीजिए, उसके बाद यहां पर आपके सामने ऑनलाइन फॉर्म आ जाएगा। तो दोस्तों यहां पर ये ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है, इसको आपको भरने के लिए आपको सबसे पहले आपका पूरा नाम देना होगा। आपका जो भी पूरा नाम है वो फिलअप कर दीजिएगा, आपके पिताजी का नाम, आपका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, उसके बाद आप पीडब्ल्यूडी है तो यस, अदरवाइज आप नो कर दीजिएगा। कैटेगरी क्या है आपकी, जनरल ओबीसी एससी एसटी जो भी आपकी कैटेगरी आती है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आप कौन सी कैटेगरी है आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, जो भी कैटेगरी आपकी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपसे यहां पर पूछा जा रहा है क्या आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, अगर आप रहते थे तो कब से कब तक रहे थे, यस या नो में जवाब दे दीजिएगा। उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहां पर टाइप करनी है, सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद में यहां पर अगर आप शादीशुदा है तो आप मैरिड कर दीजिएगा, अदरवाइज यहां पर आपके सामने और भी ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपका रिलीजन क्या है, आपका धर्म क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या कोई जो भी आपका धर्म है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में नीचे आपसे पूछा जा रहा है डोमिसाइल के बारे में, आप कहां के निवासी है यानी कि आप कहां पर रहते हैं, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, जो भी आपका स्टेट है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, और आपका नियर बाय जो भी रेलवे स्टेशन है वो आप यहां पर टाइप कर दीजिएगा। राजस्थान में आपका जो भी है, अजमेर है, जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है, कोटा है, जो भी आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपकी मदर टंग क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है या जो भी आपकी लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज है वो आप यहां पर टाइप कर दीजिए। आपका मोबाइल नंबर क्या है, उसके बाद आपका ईमेल आईडी क्या है, आपका ईमेल आईडी कंफर्म कर दीजिएगा। उसके बाद आपकी जो भी पैन कार्ड है, जो भी आपका आईडी प्रूफ है वो यहां पर आप फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर आपकी जो वैलिड पर्सनल डिटेल्स है वो आपको देनी है, जैसा कि आपका पूरा एड्रेस आपको देना है, परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस दो भी, जो भी आपका अलग अलग है तो अलग अलग कर दीजिएगा, अदरवाइज आप उसे सेम भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। उसके बाद में आपकी प्राइमरी जो क्वालिफिकेशन है 10वीं पास की है वो आप मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आप जो है ऐड कर सकते हैं 10वीं के बाद में आप 12वीं पास, ग्रेजुएट पास की भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपसे जो भी जानकारी मांगी जाती है, आपको पेमेंट करना है, आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके बाद आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जाते हैं जैसा कि आपके फोटोग्राफ, सिग्नेचर, वो आप अपलोड कर दीजिएगा, और आपकी कौन सी लैंग्वेज आपको आती है अच्छे से, जो भी आपको आती है वो आप यहां पर चेकबॉक्स पर राइट मार्क कर सकते हैं, वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फाइनली आपको सबमिट करना है, बस सिंपली आपको सबमिट करना है, आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल आपको इसी प्रकार अप्लाई करना होगा ईसीआईएल की इस वैकेंसी के लिए। गाइस इन वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट से सवाल है तो कमेंट कीजिएगा, और अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को चेकआउट जरूर कीजिएगा। और आप किस सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके अपने सिटी का और अपना नाम जरूर मेंशन कीजिएगा, ताकि आपके सिटी के आसपास की वैकेंसी की अपडेट आपको सबसे पहले दी जा सके। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।